मोदी ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड एट टोक्यो, व्हाट नीरज चोपड़ा हैज अचीव्ड टुडे विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। द यंग नीरज हैज डन एक्सेप्शनली वेल, ही प्लेड विद रिमार्केबल पैशन एंड शोड अनपैरेलल्ड ग्रिट, कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर विनिंग द गोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस दृढ़ निश्चय के साथ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड आज भारत को सौंपा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है और पूरा देश आज और इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत उत्साह भी सामने रखा है। नीरज चोपड़ा के पिताजी ने क्या कहा है, आइए जरा पहले ये देखते हैं। भारत के लिए गर्व का मौका एक पिता के तौर पर जी बहुत खुशी है मुझे अपने बेटे पर, जो हमारा सपना था और देश का सपना था उसने वो पूरा कर दिखाया। सुबह से ही जब हम आपसे बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि नीरज से बात की है वो काफी उत्साहित भी दिख रहा था, अब जब गोल्ड पक्का हो गया एक इतिहास रची है नीरज जी, हम जो देश की दुआएं उसके साथ थी उसका पूरा जोर लगा और परमात्मा ने आज उसको दिन बढ़िया दिया था जो बेहतर कर पाया, तो हम पूरे देश को मतलब पूरे देश का आशीर्वाद पाना चाहेंगे, जो मतलब पूरा देश उसकी उम्मीदों पे बैठा था और उसने अपने काम पे पूरा सहयोग दिया। परिवार में किस तरीके का माहौल है, हम देख रहे थे आप पूरा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे, फोन भी आपके बज रहे हैं, परिवार में किस तरीके का माहौल? पूरा परिवार बिल्कुल खुश है जी, खुशी की मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कितनी खुशी आप लफ्जों में नहीं बता सकते हम लोग। नीरज के बारे में बताइए, कितना मेहनती था वो, किस तरीके से, जैसा कि आपने सुबह बताया था कि आपके परिवार में स्पोर्ट्स से कोई नहीं है, नीरज को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि स्पोर्ट्स में जाना है, भारत का नाम रोशन करना है? जी उसको जैसे अपना ये स्टेडियम था पानीपत में शिवाजी स्टेडियम, वहाँ पे उसका दोस्त है जयवीर जिसने उसको गाइडलाइन दी और वो उस गाइडलाइन पे इतना पक्का उतरा कि अपनी परफॉर्मेंस में कमी नहीं होने दी, वो निरंतर उस पर लगातार कोशिश करता रहा और आज इस बुलंदी तक पहुंचा है कि देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। हम देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर जश्न मना रहे हैं, आप भी तिरंगा लेकर जश्न मना रहे, गर्व का मौका है पूरे परिवार के लिए जी, हमें पूरा गर्व है कि हमारे बेटे ने जो देश की उम्मीदें दी उस पर खरा उतरा। नीरज के पिता अभी अपनी बातों को सामने रख रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि आज नीरज का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, उमड़ पड़ी है, क्योंकि एक अप्रत्याशित बात हुई है। राजगुरु एक लाइन आ रही है दिमाग में, उनके पिताजी कह रहे थे ना उम्मीदों पर खरा उतरा जी, उम्मीदों पर खरा नहीं उम्मीदों पर गोल्ड उतरा, ये है उम्मीदों पर आज लाइन चेंज कर दी, क्योंकि हिंदुस्तान जो कितना बुरी तरीके से हम तरस रहे थे जी कि एक गोल्ड मेडल आना चाहिए, कब आएगा, ट्रैक एंड फील्ड में तो हमने सोचा ही नहीं थी, उम्मीद भी नहीं की थी, कितने ओलंपिक्स मैंने देख लिए उससे पहले, कितने लोगों ने इंतजार कर रहे हैं 1947 से ओलंपिक्स देख रहे हैं, तो किसी ने ट्रैक एंड फील्ड में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आए, जो कि सबसे बड़ा आकर्षण होता है कि ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड आए, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड तो छोड़ दीजिए, मेडल तक नहीं आता था, फाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाते थे, और वहां पर जाके मैं बता रहा हूं कि दो ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं जो पूरी दुनिया बात करने वाली है, एक नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड मेडल और दूसरा अदिति अशोक का गोल्फ में जो प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वो बात की बात है, आज जो इतिहास रचा है ये एक ऐसा इतिहास रचा है जिसका बहुत प्रदर्शन है इस बार। अगर आप देखें तो महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी बिल्कुल वाकई में पूरी दुनिया अब इसकी चर्चा करेगी, पुरुष हॉकी टीम की भी चर्चा जबरदस्त होगी, आज हम टॉप फोर में पुरुष हॉकी टीम में भी आ गए, तो इस बार चर्चा का विषय बहुत सारा है बिल्कुल, लेकिन इस बार के खेल ने बहुत कुछ टॉकिंग पॉइंट दिया है पूरी दुनिया बिल्कुल, और जब हम ये ब्रेक के दौरान मैजिक जी के साथ देख रहा था तो हम यही देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान का एथलीट वाकई में ट्रैक एंड फील्ड में आकर जब कमाल करता है तो वो जहां पर जैसे आप हॉकी की बात करें शायद अमेरिका में हॉकी इतना पॉपुलर नहीं है जी, तो उस लिहाज से अगर आप देखें पूरी दुनिया में साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका